एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। रक्तदान यानी महादान, आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी की जिंदगी बचा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहीदी दिवस के अवसर पर भारत की जनवादी नौजवान सभा हमीरपुर द्वारा गांधी चौक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। DYFI हमीरपुर द्वारा शहीदी दिवस के अवसर पर गांधी चौक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर जोनल अस्पताल हमीरपुर की एक टीम भी मौजूद रही, जिसमें डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने नौजवान सभा द्वारा शहीदी दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाने पर धन्यवाद व्यक्त किया। आज का जो ये रक्तदान शिविर है वो नौजवान सभा हमीरपुर ने आयोजित किया है शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पे, और हम नौजवान सभा के धन्यवादी हैं कि उन्होंने इस ढंग से इस शहीदी दिवस को जो है सेलिब्रेट करने का फैसला किया। और यहाँ पे करीब करीब अभी तक 50 नौजवान जो हैं अपना रक्त जो है दान कर चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छी पहल है कि इस तरह से हम अगर अपने त्योहारों को या शहीदी दिवस को इस तरह सेलिब्रेट करेंगे तो एक अच्छा संदेश सोसाइटी में ये जाता है कि रक्तदान महादान, और किसी का दिया हुआ रक्त जो है वो किसी की जान बचा सकता है, चाहे वो जान अपनी हो चाहे पराई। और दूसरा, इससे नौजवानों को ये भी एक संदेश जाता है कि वो नशे से या ड्रग से दूर रहे। तो हम धन्यवादी हैं नौजवान सभा हमीरपुर के अनिल मनकोटिया जी के, जिन्होंने ये आयोजन जो है आज किया, और आज अभी तक 50 के करीब जो है ब्लड डोनेशन हो चुकी है, और हमें उम्मीद है कि शायद 100 तक हम ये आंकड़ा छुएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से कोई भी कमजोरी नहीं आती, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, साथ ही इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। रक्तदान करने से किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो हमारे जो अंदर जो आरबीसी सेल हैं, जो आरबीसी हैं, जो रक्त सेल जो हैं, वो वैसे भी उनकी जो लाइफ होती है 90 से 120 डेज के बीच में होती है, तो वैसे भी उन्होंने जो है ख़त्म होके नहीं बननी होती है। तो अगर रक्तदान बंदा करता है तो उससे एक शरीर के अंदर फिर से एक प्रक्रिया शुरू होती है और नया रक्त, नए सेल्स बनेंगे, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी एक लाभकारी सिद्ध होता है। वहीं इस अवसर पर रक्तदाताओं ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है और वे आगे भी रक्तदान करते रहेंगे। रक्तदान देखिए काफ़ी अच्छा फील हुआ, महसूस हुआ, बिकॉज आज के टाइम में जो मतलब रक्तदान से जो हेल्पफुल मतलब समाज से व्यक्ति अपनी अपनी थिंकिंग है, वोडिंग को जो भी समझता है, लेकिन रक्तदान देना एक बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज कभी एमरजेंसी या किसी की सेवा करना, जैसे शहीद आर्मी में या कहीं पर वजह, तो बिल्कुल आप भी रक्तदान दें। युवाओं को यही संदेश है मेरी तरफ से, तो कोई भी ऐसी कमजोरी या मतलब कुछ भी वीकनेस का कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि मेरे अंदर वीकनेस है, ऐसा कुछ नहीं। रक्तदान करने से ना अच्छी स्थिति होती है, अपना खून भी डोनेट होता रहता है और लोगों का फायदा भी होता है, जैसे गरीब लोग होते हैं खून की जरूरत पड़ती है, तो खून देना चाहिए अच्छा है। आप पहले कितनी बार कर चुके हैं? पहले दो बार आप कर चुके हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा के आह्वान पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहादत दिवस पर आज हमीरपुर के गांधी चौक पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, और इसमें तमाम हमीरपुर के जितने भी नौजवान हैं उसमें बढ़ चढ़ दर्जनों नौजवानों ने अभी तक जो है यहाँ पर रक्तदान किया है। इस आयोजन के माध्यम से हम एक संदेश जो इस हमीरपुर जिला के अंदर देना चाहते हैं, जिसमें मुख्यतः जो हम देखते हैं कि आज की डेट में जिस तरीके से शहीद आजम भगत सिंह के जो विचार थे, जिसके लिए उन्हें पूरी दुनिया के अंदर नौजवानों को उनको आदर्श भी माना जाता है, और उस दौर में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हमारे देश के अंदर थी और उनको भगाने को लेकर, और जिस समाज बेहतर समाज की उन्होंने कल्पना की थी कि हमारे देश के अंदर जितनी भी समस्याएं उस दौरान, चाहे वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भुखमरी, उनको लेकर उन्होंने एक शहादत दी थी, हम ये समझते हैं कि आज की डेट में उनकी जो शहादत है उसको लेकर जो है नौजवानों को उनके जो विचारों को जो है आत्मसात करना पड़ेगा, और जिस मकसद के साथ उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी थी वो मकसद जो अभी भी अधूरा है उसको लेकर जो है आने वाले समय के अंदर हमीरपुर जिला के अंदर इसके साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनवादी नौजवान सभा
तमाम नौजवानों को उनके विचारों से अवगत कराते हुए, लामबंद करते हुए, जितनी भी समस्याएं आज की डेट में हमारे देश के अंदर, इस हमीरपुर जिला के अंदर, इस प्रदेश के अंदर है, उनको लेकर जो है नौजवानों को लामबंद करेगी। रक्तदान को महादान कहा जाता है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान आपके किसी अपने की जिंदगी बचा सकता है। यकीन मानिए, रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, न ही स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसलिए हम भी यही कहना चाहते हैं कि रक्तदान के इस पुण्य काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह किसी की जिंदगी बचा सकता है। रक्तदान एक बार करके देखिए, अच्छा लगता है। राजधानी शिमला के एक स्कूल से निकाले गए 32 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समर्थन में सीटू ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। सीटू के बैनर तले मामलों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। सीटू का आरोप है कि स्कूल में सरेआम श्रम कानूनों की अवहेलना हो रही है। 32 कर्मचारियों को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाला गया है और 3 महीनों से वेतन तक नहीं दिया गया। कर्मचारियों को अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। स्कूल प्रबंधन प्रदेश सरकार की ओर से तय न्यूनतम वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल में कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। स्कूल कर्मचारी यूनियन कानून को लागू करने की मांग कर रही है। यूनियन ने श्रम विभाग से मांग की है कि स्कूल में जिस तरह से कानून की अवहेलना की जा रही है, उस पर गौर किया जाए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो सीटू आंदोलन को और उग्र करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। सीटू ने मांग की है कि निकाले गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जल्द वापस लिया जाए और श्रम कानूनों के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं दी जाए। ऑकलैंड हाउस स्कूल से 32 मजदूरों को निकाल दिया गया है और बिना कारण निकाला गया है। ऐसे समय में जब श्रम कानून को लागू करने के लिए मांग पत्र दिया गया था, जो कि गैर कानूनी दिया गया है, और हम तो यही कहना चाहेंगे श्रम विभाग से भी, ऑकलैंड हाउस स्कूल के प्रबंधन से भी और जिला प्रशासन से भी कि ये कानून का मसला है और कानून की रक्षा होनी चाहिए। इस बीच में जब आंदोलन तेज हुआ है मजदूरों का सीटू के नेतृत्व में, तो 2 बैठकें जो है डीसी महोदय कर चुके हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें शामिल रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार जो प्रबंधन जो है इस बात पर अड़ रहा है कि मजदूरों को वापस नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की अधेरगर्दी जो है, इस तरह का जंगल राज हम किसी भी रूप में बनने नहीं देंगे। और इसलिए एक बड़ा प्रदर्शन आज हमने डीसी ऑफिस के बाहर किया है। परसों भी एक बैठक रखी गई है डीसी साहब की अध्यक्षता में। हम उम्मीद करेंगे कि इस मीटिंग के माध्यम से कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएगा। अगर नहीं आएगा तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से मनमर्जी से फीस वसूली जाती है। हर वर्ष फीस बढ़ोतरी की जाती है। अभिभावकों को हर वर्ष नई गाइडलाइन जारी कर परेशान किया जा रहा है। मनमानी फीस बढ़ोतरी के मामले में भी सख्त कार्यवाही अमल में लाने की मांग मजदूरों ने उठाई है। कांग्रेस नेता दीपक शर्मा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और त्याग पत्र पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। इस्तीफा क्यों दिया गया और इसके पीछे क्या कारण रहा, यह बता रहे हैं खुद दीपक शर्मा। मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्य से आज जो है वो अपना त्याग पत्र जो है वो कांग्रेस हाईकमान को भेजा है, क्योंकि मैं आहत हुआ हूँ, मेरी बेइज्जती की गई, और बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर, जिस मुद्दे के ऊपर पार्टी की विचारधारा की लोगों में छवि बने, एक मुद्दे को लेकर युग हत्याकांड पे मैंने आदर्श स्थापित करने के लिए एक सुझाव दिया था, जिसको लेकर इस मामले पर व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के उद्देश्य से मुझे पार्टी से निलंबित किया गया। और फिर पार्टी संविधान के अनुसार ये लिखा गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर ऐसे मामलों का फैसला होता है। आज पूरे 7 महीने हो गए हैं, लेकिन पार्टी ने इस मुद्दे के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की, और जिस ढंग से मेरी बेइज्जती की गई, मुझे प्रताड़ित किया गया, एक निस्वार्थ व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में सन 1982 से लेकर 1998 तक मैं कांग्रेस में रहा, और 2004 से 2017 तक मैं कांग्रेस पार्टी में रहा,
मैंने इस समय में कभी भी पार्टी से अपने लिए कोई भी किसी तरह का फ़ायदा नहीं लिया, निस्वार्थ सेवा की, कभी सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का बेनिफिट या ठेका या कोई भी काम जो है हमने नहीं किया। हमने अपने आप अपने 10 नाखूनों से कमाकर जो है अपना जीवन यापन किया और राजनीति को एक निस्वार्थ सेवा समझा। और इस पार्टी में मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को भूल चुकी है, जो अपना उद्देश्य है उद्देश्य से भटक चुकी है। ऐसे लोग, जिन लोगों को कांग्रेस विचारधारा से कोई मतलब नहीं, जो लोग राजनीति को एक सीढ़ी बनाकर अपना धन बल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, उन लोगों ने कब्जा कर लिया पार्टी के ऊपर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी के नाम के ऊपर, जिस पार्टी का विचारधारा के ऊपर कांग्रेस जीवित थी, वो विचारधारा को पूर्णतः ख़त्म कर दिया गया है और धन बल के ऊपर और मात्र अपना जुगाड़बाजी करके पद प्राप्त करके कार्यकर्ताओं का अपमान करना, उनको प्रताड़ित करना, ये मुख्य उद्देश्य जो है इस पार्टी का हो गया है। इसलिए मैंने इस पार्टी से प्राथमिक सदस्य से त्याग पत्र दे दिया। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राजीव गांधी पंचायत राज संगठन कार्य कर रहा है, जिसके तहत देश भर की पंचायतों को दिए अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करवाने का बीड़ा उठाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि ये देश की 7 दशक की आज़ादी के बाद भी पंचायतों के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। हैरानी की बात यह है कि देश की 7 दशक की आज़ादी के बाद भी पंचायतों के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। यहां तक कि पंचायत जनप्रतिनिधि भी 5 साल तक अपने अधिकारों को नहीं जान पाते, फिर भला ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे हो। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर भाजपा की सरकार पंचायती राज का विकेंद्रीकरण कर रही है और पंचायतों को खत्म करने का काम कर रही है। संगठन का कहना है कि राजीव गांधी का सपना था कि हर ग्राम पंचायत का विकास और पंचायत राज सशक्त हो। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी पंचायती राज संगठन संयोजक दीपक राठौर ने बताया कि भाजपा सरकार राजीव गांधी के सपनों को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज संगठन के नाम से एक संगठन बनाया है, जिसके माध्यम से हिमाचल में संवाद एवं यात्राओं के जरिए लोगों को जागरूक करने का ऐलान किया है। देखिए, जो एक लड़ाई लड़ने वाला जो हमारा विषय है पंचायती राज संगठन का, लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि भैया कम से कम जो PRIs है, आम जनता तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जो PRIs है कम से कम वो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के पन्नों को तो पलटे तो सही। वो उसमें कौन से 29 विषय हैं जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड बात है और वहाँ के जो वनों के ऊपर उनके जो अधिकार हैं उससे रिलेटेड बात है और छोटे छोटे रोजगार पैदा करने और स्थाई का जो वहाँ पर प्रावधान करना, इस तरह के 29 विषय हैं जिनके ऊपर की ऊपर फंड फंक्शन और फंक्शनली तीनों की व्यवस्था हमारा 73वां संशोधन उन 29 विषयों के लिए देता है। लेकिन केरल और कर्नाटक को अगर हम छोड़ दें तो पूरे हिंदुस्तान के बाकी किसी भी स्टेट में ये अधिकार अभी तक किसी को पंचायतों को नहीं दिए गए हैं। हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, अवेयरनेस ये क्रिएट करना चाहते हैं कि आप 73वें और 74वें संशोधनों को एक बार पढ़ लो कम से कम। अगर वो ताकतें हमारे केरल और कर्नाटक को मिल सकती तो हिमाचल को क्यों नहीं मिल सकती है। इस विषय को लेकर हम लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी यात्राओं के माध्यम से, संवाद यात्रा के माध्यम से। हिमाचल डायरी में अभी वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।